हेलो स्टूडेंट्स नमस्कार प्रणाम आप सभी का मैकेनिकल एट ईज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में यहाँ पर कुछ वैकेंसीज़ आउट हुई हैं जूनियर इंजीनियर के नाते तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी ब्रांच के छात्र यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम बोनाफाइड सिटीजेंस ऑफ इंडिया फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर टी ई एस ग्रेड फाइव डिग्री सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ग्रुप बी गेजेटेड एंड जूनियर इंजीनियर टीईएस ग्रेड फाइव बी डिप्लोमा सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ग्रुप सी नॉन गजट अंडर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट थ्रू द कंबाइंड कंपिटेटिव एग्जामिनेशन रूल्स 2022 तो so, यहाँ पर दो प्रकार की वैकेंसीज हैं एक है डिग्री के आधार पर दूसरी है डिप्लोमा के आधार पर ठीक है एक ग्रुप बी की गेजटड पोस्ट हैं एक ग्रुप सी की नॉन गेसिडेट पोस्ट हैं ठीक है अब यहां पर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट तो ये देखिए प्रपोज फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी परमानेंट तो अनरिजर्व के लिए एस के लिए एस के लिए और यहां पर दिया गया है टोटल तो सबसे पहले जो है डिग्री जूनियर इंजीनियर्स टी ग्रेड फाइव ए सिविल टोटल एट्टी एट वेकेंसीज़ हैं डिग्री जूनियर इंजीनियर्स टी ग्रेड फाइव ए मैकेनिकल तो इसके लिए सिक्स वैकेंसीज हैं डिग्री जूनियर इंजीनियर्स टी ग्रेड फाइव ए इलेक्ट्रिकल तो इसके लिए भी सिक्स वैकेंसीज़ हैं तो ये दो तीन हैं पहली वो तो हैं डिग्री के आधार पर और जो नेक्स्ट ये तीन हैं ये है डिप्लोमा के आधार पर देखिए फोर्थ नंबर पे सिविल फिफ्थ नंबर पे मैकेनिकल सिक्स नंबर पे इलेक्ट्रिकल और ये तीनों ही डिप्लोमा के आधार पर हैं पहली जो सिविल में हैं डिप्लोमा के आधार पर उसमें 88 एट हैं बाकी जो दो हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल बेस्ड ऑन डिप्लोमा सिक्स सिक्स वैकेंसीज़ हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट रिजर्व फॉर विमेन कैंडिडेट्स तो विमेन कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ सीटें रिजर्वड हैं तो वो भी आप यहाँ देख लीजिए अगर हम बात करें डिग्री के आधार पर सिविल में जूनियर इंजीनियर की तो टोटल थर्टी वैकेंसीज़ जो हैं वो रिजर्वड हैं महिलाओं के लिए जैसे कि 16 वैकेंसीज अनरिजर्व की महिलाओं के लिए एस की महिलाओं के लिए नो हैं एस की महिलाओं के लिए फाइव इस तरीके से ये महिलाओं के लिए भी आरक्षित हैं आप चेक कर सकते हैं मैकेनिकल में अगर हम देखें डिग्री के आधार पर तो टू वैकेंसीज हैं महिलाओं के लिए आरक्षित इलेक्ट्रिकल डिग्री में देखें तो टू वैकेंसीज हैं जो आरक्षित हैं महिलाओं के लिए ठीक इसी प्रकार डिप्लोमा होल्डर्स सिविल में थर्टी आरक्षित हैं मैकेनिकल में, में टू इलेक्ट्रिकल में ली भी टू और डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ पीएच कैटेगरी एक्स सर्विस मैन मेमोरेंडम रिगार्डिंग एज रिलैक्सेशन डेटेड 11.07.2022 एंड विमेन रिजर्वेशन टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर टी ई एस ग्रेड फाइव ए एंड ग्रेड फाइव बी अंडर द पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा प्लीज़ विजिट तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से अप्लाई भी कर पाएंगे अब बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेड फाइव ए तो इसके लिए क्या चाहिए एटलीस्ट आपके पास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग ब्रांच में ठीक है जी सिविल में मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल में नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जूनियर इंजीनियर ग्रेड फाइव बी डिप्लोमा तो so एटलीस्ट आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन रिलेवेंट ब्रांच लाइक सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल यही तीन ब्रांच है ना तो so इस तरीके से आप यहाँ अप्लाई कर पाएंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है द एग्जामिनेशन शेल हैव द फॉलोइंग थ्री पार्ट्स नेमली प्रीलिमिनेरी एग्जामिनेशन जिसे हम प्री एग्जाम कहते हैं इसमें आपके हंड्रेड मार्क्स का एक पेपर रहेगा ठीक है स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहेगा उसमें आपको क्वालिफाई होना है अगर आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा जो फिफ्टी हंड्रेड मार्क्स का होगा ठीक है यदि आप उसमें भी क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा इंटरव्यू कम पर्सनैलिटी टेस्ट जो कि आपका फिफ्टी मार्क्स का रहेगा ठीक है तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं सभी के लिए इन्होंने डिटेल से बताया है आप चेक कर लीजिएगा आशा करते हैं आपको सब बातें क्लियर हो गई होंगी हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं जय हिंद जय भारत वंदे मातरम